ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पिछले साल मुंबई में चर्चा का विषय रहा पॉन रैकेट मामले में अब मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी ने शुरू कर दी है। ईडी सोर्स ने बताया कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। बता दें कि साल 2021 में राज को मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा के खिलाफ आरोप है कि फरवरी 2019 में कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी और हॉटशॉट नाम के ऐप को डेवलप किया था। इस हॉटशॉट ऐप को राज कुंद्रा ने यूके बेस्ड फर्म केनरीन नाम की कंपनी को $25,000 में बेच दिया था। इस कंपनी के सीईओ प्रदीप बख्शी हैं, जो राज कुंद्रा के ही जीजा हैं। जांच में ये भी पता चला था कि इस हॉटशॉट ऐप के मेंटेनेंस के लिए केनरीन नाम की कंपनी ने कुंद्रा की कंपनी वियान से टाई अप किया था और इसी मेंटेनेंस के लिए पैसों का ट्रांजैक्शन वियान के बैंक अकाउंट में दिखाई दिया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक एक एप्लीकेशन पॉर्न कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। इस एप्लीकेशन के पीछे राज कुंद्रा थे और उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्लान बी भी तैयार किया था।